बैरक नंबर 5 में कुछ दहशत गर्द आके छुप गए हैं, इनको अर्जेंट क्लियर करवाए। अस्सलामुअलैकुम, सेफ सिटी टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद फाइक। नाज़रीन, पंजाब पुलिस के बहुत से विंग्स हैं, उनमें से एक स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट फोर्स है। इस फोर्स की ट्रेनिंग कैसे करवाई जाती है और इनको किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है, आइए आपको दिखाते हैं। आप उन चंद खुशनसीब लोगों में से हैं जो इस यूनिफॉर्म पहन के इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। इस काम के लिए न सिर्फ हम अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं, बल्कि इस मुल्क की खातिर हम अपना आखिरी खून का कतरा देने के लिए भी तैयार हैं। नारा तकबीर अल्लाह हू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, एसपीयू जिंदाबाद। हो शॉट, रिलीज शॉट, ओपन अप, अप। जी, हमारे पास 5 किस्म के वेपन्स हैं, जिसमें LMG है, G3 है, स्नाइपर राइफल है, SMG है और बेरेटा पिस्टल है। ये 5 किस्म के वेपन ओवरऑल हमारे SPU के पास हैं, और इसकी जो हैंडलिंग का मकसद है वो ये है कि किसी कम्बैट की सूरत में, एमरजेंसी की सूरत में, क्योंकि हमें फौरी तौर पे इमीडिएट रिस्पांस करना पड़ता है, तो खुदा न खास्ता अगर वेपन फंस जाए या उसमें कोई बुलेट वगैरह फंस जाए और वो रुक जाए, तो जवान जो है वो फौरी तौर पर उसको ओपन करके उसकी हैंडलिंग करने के बाद उसको इस्तेमाल में ला सकें। अप, 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 अप। जब सफ़र के दौरान जिसके साथ हम एस्कॉर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर अटैक हो जाता है रास्ते के अंदर, सड़क के ऊपर अटैक हो जाता है, तो फौरी तौर पे कितनी देर में हम रिस्पांस दे सकते हैं? गाड़ी के रुकने से पहले आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हम कितनी देर में ये जवान जो है रिस्पॉन्ड करेंगे, और जब गाड़ी रुक जाती है तो फिर कितनी जल्दी ये उतरते हैं और अपने टारगेट को जो है वो एम करते हैं? कंट्रोल फॉर 3 ओवर, बैरक नंबर 5 में कुछ दहशतगर्द आके छुप गए हैं, इनको अर्जेंट क्लियर करवाएं। राजा, राजा सर, कमांड टीम रेडी फॉर एक्शन, गो। राजा, SPU के जवानों ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से रूम कम्बैट की प्रैक्टिस की, इस बारे बताइए ये क्या होती है? जी, ये रूम कम्बैट का बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है और टेररिस्ट या दहशतगर्द जो है वो किसी रूम के अंदर आके घुस जाता है, घुसने में कामयाब हो जाता है, तो उससे उसको हमने किस तरह से टर्मिनेट करना है, किसी 4 वॉल के अंदर किस परफेक्शन के साथ हम और किस प्रसीजन के साथ हम उस टेररिस्ट को जो है वो गिरफ्तार कर सकते हैं, और अपने जो विसिनिटी है, अपना जो परमिसेज है, उसको हम किस तरह से महफूज बना सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप मेरे अकब में SPU के एक स्नाइपर को देख रहे हैं जो कि इस वक्त नज़र आ रहा है। अमूमी तौर पर जब कोई ऑपरेशन होता है तो ये लोग हिडन होते हैं। आइए एहसान साहब से पूछते हैं कि इनकी सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है। जी एहसान साहब। जी, ये हम बेस्ट शूटर्स जो होते हैं हमारे, पहले तो हम उसको अपने क्लस्टर लेवल के ऊपर हम चेक करते हैं, जो बेस्ट शूटर हैं उनके हम सिलेक्शन करते हैं, उनमें से जो चंद सेलेक्टेड लोग होते हैं हमारे, उनको फिर हम हमारे एलीट सेंटर है बेदिया में, फ़ारुखाबाद सेंटर है, तो वहाँ पे हम इनको भिजवाते हैं, और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भी कोऑर्डिनेशन करके भी हम इनकी 1 महीने की तकरीबन ट्रेनिंग होती है। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से SPU के जवान ट्रेनिंग के सख्त मराहल से गुजरकर फील्ड में ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नारा तकबीर अल्लाह हू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, SPU जिंदाबाद।